हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आई एम योर जीके टीचर एंड टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 7, दैट इज सेलिब्रिटी वर्ल्ड। जो भी मशहूर व्यक्ति होते हैं, वो जो भी अच्छा काम करते हैं तो उन्हें सेलिब्रिटी कहा जाता है। सेलिब्रिटी वर्ल्ड मतलब मशहूर लोगों की जो दुनिया है, वो जो भी काम करते हैं उसी के द्वारा वो नाम से जाने जाते हैं। उनका नाम उन्हीं के काम से मशहूर होने लगता है। इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है। फर्स्ट है एक्सरसाइज लीजेंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा। हमारे भारतीय फिल्मों में जो भी दिव्य व्यक्ति हैं उन लोगों के बारे में इसमें बताया गया है। इस एक्सरसाइज को हम डायरेक्ट अपनी कॉपी में फिल करेंगे। सबसे पहले आप डालेंगे लेसन नंबर 7, सेलिब्रिटी वर्ल्ड। हेडिंग डालेंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, लीजेंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा, आइडेंटिफाई देम। हमें उन व्यक्तियों के बारे में जो दिव्य व्यक्ति हैं उन लोगों के बारे में बताया है इसमें डिटेल में। हमें पहचानना है कि ये व्यक्ति कौन सा है, आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ द 20th century। ही वॉज ए बंगाली राइटर एंड डायरेक्टर हु ब्रॉट इंडियन सिनेमा टू वर्ल्ड रिकॉग्निशन। आंसर है सत्यजीत रे। ये जो है एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, ये जो है पिक्चरें बनाते थे, और ये एक बंगाली राइटर भी थे और उसके डायरेक्टर भी थे। बंगाली में जो भी फिल्म्स होती थी उनके बारे में वो लिखते थे और उसे डायरेक्टर के बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते थे। आंसर है सत्यजीत रे। सेकेंड है वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द न्यू इंडियन सिनेमा मूवमेंट ऑफ इशू बेस्ड फिल्म मेकिंग ऑफ द 1970s। ही रिवॉल्यूशनाइज्ड मलयालम सिनेमा। आंसर इज अदूर गोपाल कृष्णन। ये जो है मलयालम सिनेमा से रिलेटेड थे ज़्यादातर, और ये एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने 1970s में फिल्म बनानी शुरू की थी। थर्ड है विद ओवर 175 बॉलीवुड फिल्म्स टू हिज क्रेडिट, दिस ग्रेट एक्टर हैज़ वन 5 नेशनल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द बेस्ट न्यू कमर अवार्ड फॉर हिज फर्स्ट फिल्म साथ हिंदुस्तानी इन 1970। आंसर इज अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी ने कम से कम बॉलीवुड की, हमारे इंडिया में जो बॉलीवुड सिनेमा है उसकी कम से कम 175 फिल्म्स वो कर चुके हैं। इस बात का उन्हें क्रेडिट मिला है और इनको 5 नेशनल अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं। 5 नेशनल अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, जिसमें कि एक बेस्ट न्यू कमर अवार्ड भी जीता था इन्होंने 1970s में। कौन सी फिल्म के लिए? साथ हिंदुस्तानी फिल्म के लिए। फोर्थ है ए लीजेंडरी फिगर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, दिस एक्टर और डायरेक्टर हैज़ वन 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड ए रिकॉर्ड ऑफ 19 फिल्म फेयर अवार्ड्स इन 5 लैंग्वेजेस। आंसर इज कमल हसन। ये भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक महान व्यक्ति हैं। ये एक एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। ये 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीत चुके हैं अब तक, और इन्होंने 5 यानी 5 लैंग्वेजेस का, भाषाओं का रिकॉर्ड बनाया है 19 फिल्म फेयर अवार्ड्स में। ये हैं कमल हसन। फिफ्थ है ए लीडिंग डायरेक्टर ऑफ नॉन मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ रियलिस्टिक एंड इशू बेस्ड फिल्म मेकिंग, ऑल्सो नोन एज पैरेलल सिनेमा। आंसर इज श्याम बेनीगल। ये एक महान डायरेक्टर हैं नॉन मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा के, यानी गैर मुख्यधारा के, ये हिंदी सिनेमा के ये डायरेक्टर हैं। इन्होंने रियलिस्टिक मतलब वास्तविक और इशू बेस्ड मुद्दे पे आधारित इन्होंने फिल्म बनानी शुरू की थी, और ये मुद्दा ढूंढते भी थे, ये फाउंडर भी थे रियलिस्टिक और इशू बेस्ड मूवीज़ के, जिसे हम पैरेलल सिनेमा के नाम से जानते हैं। आंसर है श्याम बेनेगल। सिक्स्थ ए लीजेंडरी एक्टर ऑफ इन हिंदी सिनेमा। ही इज फॉन्डली नोन एज द ट्रेजिडी किंग। आंसर इज दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी जो हैं इनको ट्रेजिडी किंग भी कहा जाता है। ये भी एक महान नाटककार हैं हिंदी सिनेमा के, बॉलीवुड सिनेमा के। हिज बर्थ नेम इज यूसुफ खान।
इनका जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम इनका है यूसुफ खान। कौन है ये? आंसर है दिलीप कुमार। ये आपके 6 पॉइंट्स थे लीजेंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा के। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेलिब्रिटीज वर्किंग फॉर सोशल कॉजेज। इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट है ये, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।